ट्रेलर एंड मैंने जब देखा आई रियली इंजॉयड इट, आई लव्ड इट एंड स्पेशली विशाल इज़ देयर सो ऑब्वियसली आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू वॉच द ट्रेलर, लाइक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं। दोस्तों ने ये शो बनाया, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। डाइस के साथ मैंने खुद भी काम किया है दो साल पहले एंड इसमें काफ़ी कलाकार है जो मेरी इंडस्ट्री से आते हैं, टेलीविजन से। वैभव इतनी बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत ही सिंपल कहानी है जो आजकल बनती कम है, यू नो, एंड स्पेशली ऑन द डिजिटल। आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट टुडे। बस यही कहना चाहेंगे कि जब हमने शूटिंग शुरू की थी उससे पहले जब कहानी सुनी थी तो बहुत ही मज़ा आया था, शूटिंग करके उससे ज़्यादा मज़ा आया। फिर जब इसका पहली बार ट्रेलर देखा तो और भी ज़्यादा मज़ा आया और इस शो देखेंगे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है डे वन से इट्स अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है और अभी उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस को ये बहुत पसंद है। जी मैंने ट्रेलर देखा है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द शो, इट लुक्स लाइक फुल हार्ट। मुझे लग रहा है मैं शायद रोने लगूंगा शो देख के, बट माई फ्रेंड्स इन इट आकांक्षा एंड मेनी अदर्स, तो आई एम जस्ट एक्साइटेड फॉर देम एंड आई एम हियर टू सपोर्ट देम। सर घर वापसी जब मैंने देखा, इट्स बाय पॉकेट एसेस, अश्विन का वो कंपनी है एंड आई नो द काइंड ऑफ कंटेंट दैट दे मेक इज रियली गुड, तो जो स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा है वो देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी भी घर वापसी हो यार। Films is where the house is, acting is where the home is. So that is what I want to do. I think it's metaphorically connected and that's why I'm here. मेरे लिए तो बहुत exciting है, that's why I'm coming here. ऑब्वियसली हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि हमने इतने प्यार और मेहनत से ये शो बनाया है, हमारे राइटर्स ने इतने सुंदर कैरेक्टर्स लिखे हैं, इतना सुंदर एक वर्ल्ड बिल्डिंग किया है, हमारे एक्टर्स ने उसको इतना प्यार से निभाया है। हम बहुत एक्साइटेड है कि हमारा काम लोगों के सामने आ रहा है एंड वी होप कि हमने जितना इस शो को प्यार दिया है उतना ही प्यार हमें मिले अपने ऑडियंसेस से। तो बेसिकली पॉकेट एसेस और डाइस मीडिया के लिए ये फर्स्ट स्मॉल टाउन शो है, तो बहुत यूनिक जगहों से अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला है। हमारी जो यूजुअल ऑडियंस है वो तो चाह ही रहे हैं शो को, लेकिन एक एडिशनल ऑडियंस हमारी क्रिएट हो रही है इस शो से। तो जो लोग स्पेशली MP से रिलेट करते हैं और स्मॉल टाउन्स में बड़े हुए हैं या जो लोग अभी फैमिली से दूर रह रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हो रहा है, बहुत रिलेटेबल लग रहा है। तो अब बहुत लोग हैं जो मतलब रीच आउट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, रिस्पॉन्स हैज़ बीन रियली अमेजिंग। आई थिंक आई विल बी ऑनेस्ट एंड आई थिंक आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, आई मीन बिकॉज इट इज़ अ स्टोरी कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन एंड आई थिंक आई जेन्युइनली रिलेट टू इट बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम अ प्लेस सहारनपुर UP, इट्स देयर इन UP, इट्स अ स्मॉल टाउन एंड आई थिंक इट इज़ नॉट ओनली द स्टोरी, इट्स नॉट माई स्टोरी, इट इज़ द स्टोरी ऑफ एवरी पर्सन हु इज़ कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन एंड ट्राइंग समवेयर स्ट्रगलिंग और जगलिंग बिटवीन हिज ड्रीम्स एंड द लव लाइफ, सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। ट्रेलर तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ट्रेलर एंड द रिस्पॉन्स हैज बीन ग्रेट, सो हाँ लाइक ऑल माई फ्रेंड्स अराउंड मी, माई फैमिली, एवरीबडी, द ऑडियंस जनरली हैज़ लव द ट्रेलर। आई थिंक वही है कि बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, सबको वही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिलेटेबल स्टोरी लग रही है एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट टेक ऑन अ फैमिली ड्रामा सेटअप, यू नो, एंड आई थिंक सो मेनी पीपल आर गोइंग टू कनेक्ट टू विशाल्स कैरेक्टर। आई नो सो मेनी पीपल पर्सनली और मतलब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कनेक्ट करने वाले इवन विद द फैमिली डायनामिक्स एंड एवरीथिंग, सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड, यू नो, फॉर एवरीवन टू वॉच इट एंड आई एम श्योर एवरीवन इज़ गोइंग टू लव इट। सो देखते हैं, अब आज स्क्रीनिंग है, अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, बट या ट्रेलर मैंने देखा। एक्चुअली मुझे काफ़ी देसी स्टाइल, जो अपने स्टाइल का काम होता है ना, मतलब मैं UP से बिलोंग करता हूँ तो मतलब वो देसीपन जो है वो मुझे काफ़ी दिख रहा है, तो वो अच्छा है, मतलब कैची है, फन है। घर वापसी बहुत ही स्पेशल शो है, बहुत ही वॉर्म शो है और इसमें कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हर किसी के घर में शायद सब तो नहीं बट कहीं ना कहीं एक जन दो जन तो रहेगा ही। जब ये शो लोग देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, क्योंकि लाइफ ऐसी होती नहीं है, लाइफ इंस्टेंसेस से बनी होती है, छोटे छोटे मेमोरीज से बनी होती है और वो सारे मेमोरीज कहीं ना कहीं किसी ने जिए होते हैं, हर एक जन जीता ही है। तो ये शो से लोग डेफिनेटली लेकर जाएंगे, बहुत ही कंफर्ट है, बहुत सिक्योरिटी मिलेगी, वॉर्म्थ मिलेगी एंड ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं।